नमस्कार दोस्तों, मैं किशन उपाध्याय स्वागत करता हूं आपका अपने रेडेक्ट यूट्यूब चैनल में। दोस्तों कैसे हो आप? सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाला हूं वाईफाई को लेकर। जी हां दोस्तों, आजकल के मार्केट में वाईफाई अडाप्टर, जो कि कंप्यूटर डेस्कटॉप में हम वाईफाई अडाप्टर लगाते हैं, जिसका पैकेट ये रहा, आप देख सकते हैं, ठीक है। इसका सबसे बड़ी समस्या क्या है मैं आपको बताऊंगा। जब भी हम हमारे घर में या हमारे आसपास कोई आजू बाजू भी हमारा क्या होता है, वाईफाई लगा के रखा हुआ, ब्रॉडबैंड लगा के रखा होता है, तो क्या होता है आजकल के इस समय के बारे में बता रहा हूँ कि जब भी अपना अडाप्टर ये अपना हम सीपीयू में लगाते हैं, तो उनका वाईफाई का जो नाम होता है, उनका जो वाईफाई होता है, हमारे कंप्यूटर के वाईफाई नेटवर्क में शो नहीं होता है। तो आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ, अगर आपका वाईफाई अडाप्टर जो है 802.11n करके होता है, तो आज यार दोस्तों इस वीडियो में ना आपको सारी डाउट क्लियर हो जाएगी, आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत बड़ी ये प्रॉब्लम है दोस्तों, बहुत बड़ी, क्योंकि मुझे ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ा। मैं YouTube पे हजारों वीडियो सर्च कर लिया, लेकिन मुझे कोई सलूशन नहीं मिल पाया। तो इस वीडियो में प्लीज शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, इस वीडियो में आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। एकदम आप दिल खोल के लाइक करिएगा, और प्लीज अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह का टेक्निकल वीडियो हमारे चैनल पे आता रहता है। तो जब सब्सक्राइब करेंगे तभी वो आएगा, तो प्लीज सब्सक्राइब। तो ज्यादा समय वेस्ट न करते हुए चलिए चलते अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पर। और ये वाईफाई अडाप्टर है, मैंने पहले से लगा के रखा है, और मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा कि क्या सेटिंग हमने पहले नहीं किया था, तब नहीं दिखा रहा था, क्या सेटिंग हमने अभी किया तो वाईफाई दिखाने लगा। तो कोई दिक्कत, आपका सिस्टम एकदम बढ़िया है, अच्छा है, आप टेंशन मत लीजिए। थोड़ा सा सेटिंग बस करना है आपको, 2-3 मिनट का वीडियो होगा, तो शुरू से अंत तक देखिएगा। तो चलिए चलते हैं अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पर और वहां देख लेते हैं हमें कैसे क्या करना है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम आ गए हैं अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पर। अभी देखिए क्या यहाँ पे दिखा रहा है, 00 यहाँ पे देखिए। कभी कभार क्या होता है कि वह इतनी बड़ी प्रॉब्लम है कि यहाँ पे नेटवर्क भी नहीं दिखाता है। जो भी वाईफाई क्या होता है, ब्रॉडबैंड हम लगवाते हैं, मोबाइल का भी हॉटस्पॉट खोलेंगे तो इसमें दिखा देगा, लेकिन ब्रॉडबैंड का इसमें नहीं दिखा रहा है। तो पहले तो मैं आपको दिखा दूँ, तो आप कहेंगे फ्रॉड है। सबसे पहले ये मैं डिटेक्टिंग कर लेता हूँ, अभी उस वाईफाई का नाम इसमें आ जाएगा। अभी देखिए यहाँ पर मैं रिसॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। अभी देखिए इसको मैं रिसॉल्व कर रहा हूँ, और अभी कैंसिल इसको मैं कर देता हूँ, ठीक है। ये देखिए ये वाईफाई का नाम यहाँ पे आ गया, ठीक है। यहाँ पे वाईफाई का नाम यहाँ पे आ चुका है। अभी मैं क्या करता हूँ, उसको कनेक्ट करता हूँ। देखना आपके सामने सब कुछ होगा। अभी लिख रहा है विंडोज वाज अनेबल टू कनेक्ट रॉयल डिजिटल के अंदर, ठीक है, वाईफाई का नाम है, ठीक है। तो अभी देखना भाई, मुझे 100% विश्वास है कि आप इस प्रॉब्लम से बहुत झेल चुके हो, ठीक है। अभी देख लेना, ठीक है। अभी एक जादू दिखाऊंगा और आप खुश हो जाओगे। तो प्लीज़ शेयर कर देना इसको, और प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि इस तरह का टेक्निकल वीडियो आपको मिल जाए। देखो ये भाग गया, फिर यहाँ देख रहे हो आप, फिर ये भाग गया यहाँ से, नेटवर्क पे देखो नहीं दिखा रहा। अब चलिए ट्रिक देख लेते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है कि वाईफाई का अडाप्टर इंस्टॉल कर लेना है, डिस्प्ले शो हो रहा, और उम्मीद करता हूँ वही आपका अडाप्टर होगा, ठीक है। वाईफाई का कंप्यूटर में लगता है अलग से। अब क्या करना है, सबसे पहले मैं तो यार 5-6 बार रिफ्रेश कर लेता हूँ, आदत हो गया है। इतना गजब का ट्रिक है भाई कि मज़ा आ गया, मैंने तो जब सीखा था यार मज़ा आ गया। चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने ड्राइवर इंस्टॉल कर लिया। ड्राइवर इंस्टॉल के जानने के लिए हम यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे कंप्यूटर पे और मैनेज पे जाएंगे। मैनेज पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखेंगे कि डिवाइस मैनेजर दिखा रहा है। डिवाइस मैनेजर में यहाँ पर नेटवर्क अडाप्टर पर क्लिक करके आप देखना कि ये दोनों चीज़ येलो कलर का ना हो, ठीक है। ये दोनों हमारा यहाँ पर ग्रीन है, इसका मतलब इंस्टॉल है, ठीक है। अब इसको बंद करते हैं, फिर यही प्रोसेस अपनाते हैं, ठीक है। मैनेज पे गए, ज़्यादा वीडियो लॉन्ग नहीं होगा यार, सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बहुत ही दमदार टॉपिक है। यहाँ पे डिवाइस मैनेजर पे गए, नेटवर्क एंड अडाप्टर पे गए, और यहाँ पे नीचे वाले पे हम राइट क्लिक करेंगे। रिलेटेड RTL, ये ड्राइवर का डिटेल होता है, ये लिखा है 802.11n USB 2.0 नेटवर्क अडाप्टर, इस पर राइट क्लिक करेंगे और प्रॉपर्टीज़ पर जाएंगे। ये ट्रिक प्लीज़ यार सब्सक्राइब, यहीं से आपका अब बदलने वाला है सिस्टम का रूप। अब यहाँ पे एडवांसड पे क्लिक करना है आपको। एडवांसड पे क्लिक करने के बाद बैंडविथ, यानी कि YouTube पे इस तरह बहुत ही मिल जाएगा, लेकिन काम कोई नहीं करेगा, ये देखना। नीचे दूसरे नंबर पे आपको मिल जाएगा बैंडविथ का, यहाँ पे सेलेक्ट रहता है 20-40 MHz, ठीक है। सो हमें क्या करना है, यहाँ पे नॉर्मली 20 MHz ओनली पे क्लिक करना है और ओके कर देना है दोस्तों। या दोस्तों ये देखो, कुछ भी नहीं करना है, वाईफाई रिस्टार्ट होगा। और ये लो पासवर्ड तो मैंने डाल रखा है, 100% एकदम काम का ये ट्रिक है भाई, प्लीज़ कमेंट करके बताना। मैं इसको डिस्कनेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। फिर इसको मैं एक बार फॉरगेट ही कर देता हूँ। यहाँ पे देखो, पहले आप यहाँ पे देखो ऑटोमेटिकली, या वहीं से मेगा हार्ट का कुछ प्रॉब्लम होता है यार, उतनी छोटी सी प्रॉब्लम के लिए हमने हज़ारों वीडियो YouTube पे सर्च कर लिए। ये देखो वाईफाई कनेक्ट हो गया, ठीक है। यहाँ पे WPA2 PSK का है, ये ब्रॉडबैंड कनेक्शन है, ठीक है।
तो आप इस ट्रिक को यूज करो, ठीक है, और चैनल पे जरूर सब्सक्राइब कर लेना। एकदम छोटा सा वीडियो था यार, मज़ा आ गया हो तो लाइक और सब्सक्राइब, ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।